हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हो? अगर आपकी इजाजत हो तो कहूं। शौक से कहो, डरने की कोई बात नहीं है। जो तमन्ना है तुम्हारे दिल में उसको कह दो। धन्य हो महाराज, आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं। और महाराज आप से एक अर्ज में करने को आया हूँ। महाराज आप कि महाराज आप से एक अर्ज मैं करने को आया हूँ। शिकार को चलिए महाराज, बड़ी आशा के साथ आया हूं मैं कि शिकार को चलिए महाराजा, मैं आशा करके आया हूं। के बहुत दिन हो गए लगाए इस तलवार में मुर्चे, बहुत दिन से शिकार नहीं खेला गया महाराज। कि बहुत दिन हो गए लग गए इस तलवार में मुर्चे, कि आखेट को चलिए महाराजा, मैं आशा करके आया हूं। बड़ी आशा से मैं आपके पास आया हूं शिकार खेलने के लिए। शाबाश मेरे दीवान, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। क्या कहा महाराज? मैं भी यही सोच रहा था कि काफी दिन हो गए मुझे भी शिकार खेले हुए, आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी। वाह महाराज, मैं तो धन्य हो गया महाराज। हमारे कहने के मुताबिक आपकी भी इच्छा थी शिकार खेलने के लिए। हाँ दीवान जी, आप चलिए तैयारी कीजिए, मैं रास्ते में आपको मिलूंगा। इस बीच में मैं अपने परिवार के सदस्यों से वार्तालाप कर लूं और आप तैयारी करके मेरा इंतजार करना, मैं शिकार खेलने जरूर चलूंगा। महाराज जैसी आज्ञा, मैं चौराहे पर चल के आपका इंतजार करता हूं और आपका घोड़ा भी बहुत जल्दी तैयार करता हूं, अपने सेना के साथ चलेंगे शिकार खेलने के लिए। ठीक है दीवान जी, चलिए तैयारी कीजिए। तो आज्ञा दीजिए, आ रहा हूं। मैं चलना चाहता हूं महाराज। दरबारी कहिए राजन, जाओ मेरे वफादार सिपाही बहादुर संग्राम सिंह को दरबार में बुला के लाओ। जो आदेश महाराज, अभी गया अभी आए। जाओ जल्द बुला के लाओ। महाराज, आपने
समय सेनापति संग्राम सिंह को क्यों याद किया महाराज? मेरे वफादार बहादुर सिपाही संग्राम सिंह, मेरे बुलाने का मतलब क्या है मैं कहना चाहता हूं। चूंकि तुम हमारे एक बहादुर सिपाही ही नहीं, मेरे परिवार के एक सदस्य भी हो, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जब तक वापस न आऊं ए संग्राम सिंह, जब तक वापस न आऊं जब तक वापस न आऊं ए संग्राम सिंह, तुम महल की मेरे पहरेदारी करो, रानी वाला लड़के की जिम्मेदारी तेरी, रानी वाला लड़के की जिम्मेदारी तेरी, इन सबों की यहाँ इनको वारी करो। संग्राम सिंह, मैं शिकार खेलने जा रहा हूं और तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रहा हूं कि हमारी महारानी चंपा और मेरे राजकुमार जगदीश का ख्याल रखना। तो आपके हुक्म से कुछ ना इनकार है, आप के हुक्म से कुछ ना इनकार है, कर कहो जान देने को तैयार हूं, सदा करता रहूंगा नमक मैं अदा, कसम ईश्वर की खा करता। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। महाराज, जब तक सेनापति संग्राम सिंह आपके दरबार का वफादार है, तो मरते दम तक मैं आपसे वादा करता हूं कि हर वक्त नमक को हलाल करता रहूंगा। महाराज, नमक हराम कभी नहीं करूंगा। ठीक है सर संग्राम सिंह, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, यहां की देखभाल खूब अच्छी तरह से करते रहना। पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो बेटा जगदीश, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, आपके साथ शिकार खेलने मैं भी चलना चाहता हूं। नहीं बेटा जगदीश, तुम्हारी उम्र अभी शिकार खेलने के लिए नहीं है। जंगल में जाओगे, वहां बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, शेर चीता इत्यादि, उनकी दहाड़ सुनकर के तुम डर जाओगे, इसलिए तुम शिकार खेलने की जिद मत करो। संग्राम सिंह, क्या हुक्म है महाराज? हमारे बेटे जगदीश को ले जाओ, बगीचे की सैर करा लाओ, जिससे हमारे बेटे जगदीश का मन बहल जाए और दीवान जी तैयारी करके मेरा इंतजार करते होंगे।
मुझे शिकार खेलने जाना है, यहाँ की देखभाल बखूबी करते रहना। जैसी आज्ञा महाराज। आप शिकार के लिए प्रस्थान कीजिए और मैं युवराज जगदीश को लेकर चमन की तरफ प्रस्थान करता हूँ। ठीक है संग्राम सिंह, मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे भी चमन जाने की आज्ञा दीजिए राजन। ठीक है, हमारे कुंवर जगदीश को ले जाकर बगीचे की सैर करा लाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। क्या बताऊं मैं, सबको फुर्सत मिल गई लेकिन मेरे दिल को क्या हुआ? कुछ नहीं, न जाने मेरे माँ बाप आंखें अंधे थी जो इस बुढ़े से मेरी शादी कर दिए। महाराज, अगर आप बगीचे में उस सैर करने जा रहे हैं, जगदीश को सैर करने भेज दिए और अपना शिकार खेलने जा रहे हैं, ये चंपा रानी इस महल में शिकार खेलेगी, आज मुझे जीने की चाह आ गई, एक उम्मीद सी जगी, और तो मैं तो समझी थी कि मेरी जवानी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। कहाँ जाऊँ राम हो, कहाँ जाऊँ राम, हो लईकी जुलमी जवनिया, कहाँ जाऊँ राम। कहाँ जाऊँ राम, कहाँ जाऊँ राम, कहाँ जाऊँ राम, कहाँ जाऊँ राम, लईकी जुलमी जवनिया, कहाँ जाऊँ राम। चढ़ेली जवानी मोरी नहीं मोरे बस में, चढ़ेली जवानी मोरी नहीं मोरे बस में, कसी की जो बनवा जैसे रहना ही तनी में। रहाली जो बनवा नहीं जैसे मोर तनी में, लागी अंग की जवनिया, कहा जमरा हूँ। अपने इस महल को इतना सजाऊंगी कि उसे जब बुलाऊंगी, अरे संग्राम सिंह तुमने मेरी नजर में बस के चली गई, आपकी शक्ल देख करके ऐसा लगा कि एक बार मुझे मूर्छा आ गई। अब मैं चलती हूँ, अपने महल को सजाऊंगी और तब उसे यहां बुलाऊंगी। पिताजी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी चंद्रोति, आज हमसे तुम कुछ कहना चाहती हो? जी पिताजी। यह तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी हमसे कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं पिताजी? पर वो जानना चाहता हूँ कि हमारी बेटी हमसे क्या कहना चाहती है, कहो। मैं बतला रही हूँ आपसे कहना क्या चाहती हूँ। शौक से बताओ। और पिता, चढ़नी में आपके
सुता झुकाए सी। तुम्हें जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। क्यों नहीं पिताजी? जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूं हमारे दिल को चैन नहीं पड़ता है। जी पिताजी, हमें महान खुशी यह है कि आज हमारी बेटी हमसे कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं पिताजी? तो वही मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बेटी चंद्रवती आज हमसे क्या कहना चाहती है। शौक से कहो, क्या कहना? पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन की सैर करने जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो पिताजी। बस इतनी सी बात? जी पिताजी। चमन में जाना चाहती हो? खैर ठीक है, हर औलाद का यही धर्म होता है कि जब तक माँ बाप से आज्ञा ना ले लें तब तक कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है बेटी, अपने साथ में सहेलियों को ले लो, साथ में दरबार में सिपाही हैं उनको भी साथ ले लो, उसके बाद फिर जाना है उसे। आपकी जैसी इच्छा होगी पिताजी, मैं सब सहेलियों के साथ और महल से एक दरबारी लेके जाऊंगी। जाओ बेटी, शौक से जाओ और अपनी सहेलियों को ले लो साथ में, उसके बाद जाओ घूमने के लिए। ठीक है पिताजी, मुझे क्या कह दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। बिल्कुल बेशक। अच्छा पिताजी, नमस्ते। नमस्ते। ऐ बंधु सिंह, खैर अब चलता हूं। हमने वादा किया है कि महाराज को आगे चौराहे पर हम मिलेंगे, अब साथ में सिपाहियों सहित महाराज से चल के आगे मुलाकात करते हैं। आइए भैया। शिवराज जगदीश जी। भैया देखिए, ये आपका पहला चमन है। हाँ भैया। और चारों तरफ निगाहें उठाकर देखो, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। हाँ भैया, फूल तो बड़े अच्छे अच्छे खिले हैं और चमन बड़ा अच्छा है, एक से एक फूल खिले हुए हैं, बहुत प्यारा प्यारा चमन है, बहुत अच्छे शिवराज फूल खिले हुए हैं। और इसके आगे इससे भी बड़ा चमन है, उसमें इससे भी अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, उसमें इससे भी अच्छे फूल है? इससे भी अच्छे अच्छे फूल है। हाँ भैया, लेकिन आज देखो मौसम कितना सुहाना है और कितने प्यारी हवा चल रही है। सत्य कह रहे हो। क्या नजारा है आज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या सुहावना मौसम है। हाँ भैया, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने आने वाला कोई आज तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम।
काली काली घटा गिर रही है, ठंडी आहे हवा भर रही है, काली काली घटा छा रही है, ठंडी सबको क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है, जाने क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है, का रंग भी बदगुमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, ऐ मेरे दोस्त ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे दोस्त ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, ऐ मेरे दोस्त ऐ हुस्न वाले, दिल किया मर्जी पे ये बात है, जीने चाहे तू मर डाले, तेरे हाथों में अब मेरी लाज है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा मौसम, चंद्रती मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? क्या कहना चाहती हो? आप मेरी मन की बात नहीं जान पाती हैं। अरे जो बताओगी तभी तो जानूंगी। लेकिन मैं तो आपकी मन की बात जान जाती हूँ। हमारे मन की बात? क्यों नहीं, आपकी मन की बात तो बताओ ना। अरे चलो बहिना चमन चल, सुन रही हो ना? हाँ हाँ। चलो बहिना चमन चल के देखे बहार, चलो बहना चमन चल के देखे देखे बहार, देखे बहार, देखे बहार, देखे बहार, चलो बहना चमन चली देखे बहार, देखे बहार, चलो बहना खिले हैं
के देखे बाहर चलो बहना चमन अरे बहन चंद्रुती, कहिए बहन, बागीचे की तरफ चलोगी कि यहीं पड़ी पड़ी रहोगी? क्यों नहीं, देखो ये छोटा वाला चमन है, चलो बड़े वाले चमन में चलते हैं, वहां पे अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। ए चंद्रुती, अरे रंगी रंगी के फूल खिले भावे ना मोहे रंगीना, हो अभी आन मिलो सजीना आन मिलो, हर रंग रंग के फूल खिले मोहे भावे ना कोई रंग ना, हो अब सजना हो सजना 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 अभी आन मिलो सजना आन मिलो सजना। गूंजती है फिजावो के तारों में कितने काटे चुभे है मेरे पाँव में, ढूंढती हूँ फिजाओं के छाँव में कितने काटे चुभे मेरे पाँव में, तूने सूरत दिखाई ना जालिमा परदेसी हुआ है कि गाँव में, हो रात रात मोहेगी दिलावी खन खन बोले कंगिला, आन मिलो सजीना आन मिलो सजीना। आन मिलो सजीना अभी आन मिलो सजीना आन मिलो सजी। ओ तूने सूरत दिखाई ना जालिमा रात रात बहनी दिलावे खन खन बोले कंगना, आन मिलो सजीना।